उज्जैन के नीलगंगा रोड पर सड़क के बीचों बीच स्थित चिमनी से टकराकर बाइक सवार 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वह केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में आजीवन सजायाफ्ता कैदी है। पिछले दिनों पैरोल पर अस्थायी रूप से रिहा होकर आया था। दोस्तों ने घटना को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की है, क्योंकि हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आपको एक एक्सीडेंट हुआ है, कौन है ये और क्या काम करते थे और कहाँ पर हुआ है? ये हमारे काका था अमी लाला, और ये लोटू, ये अपना लोटू स्कूल चलाए पे एक्सीडेंट हुआ रात के साल में, और पेरोल से जेल से पेरोल पे था। किस प्रिजन में जेल में थे? पूर्व में रखता था, उसमें सजा हुई। कल आपको एक्सीडेंट हुआ तो अकेले थे? ये अकेले थे। एक दिन को गला करते हैं? कब करते थे? जिनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे हो गए। हमारी चाची है और एक लड़की, इनकी शादी हो गई है। अकरब भाई है। क्या नाम था इनका? ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले? पालेकड़े। आपको पूछना था? हमको पूछना, हाल ही में किसी का फोन आया था जब हमको जानकारी मिली। मनीष राय से। कौन व्यक्ति है और कहाँ पर क्या रहता है? कल दिनांक 20/9 को रात के 10 बजे ड्यूटी कंपाउंडर की रूपचंद ने थाने की सूचना दी। ड्यूटी कराए के पास एक्सीडेंट के बाद एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया, मृत्यु हो गई है। उसका वाहन वहां से घटनास्थल से जब्त किया गया है। वाहन को वाहन की तलाश करते परिजन थाने पर आए। परिजनों ने मृतक की पहचान ओम प्रकाश उर्फ ओमी तथा कन्हैया लाल रायकवार भोई मोहल्ला का निवासी फंडाचड़ी उज्जैन के रूप में की है। जिसका पीएम आज दिनांक 21/9 को सीएच उज्जैन में कराया है। जानकारी मिली किस हत्या के केस में या पेरोल पे? ये ज्ञात किया गया है, 2013 का प्रकरण है चिमनगंज का, जिसमें ये हत्या का आरोपी थे और परिजनों का कहना है कि अभी पेरोल पे आए हुए थे। इतना अभी ज्ञात हुआ है, बाकी जांच जारी है। जो भी सामने आएंगे जाँच के हिसाब से और उनकी भी समझदार की जाएगी।